असलम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज आपको अपने कब्रिस्तान के साथ करवाने के लिए चलते हैं, तो चलिए चलते हैं। कब्रिस्तान के पास पहुंच गए हैं, तो चलिए आपको भी कब्रिस्तान दिखाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो अब इसमें काम हो रहा है, तो चलिए आपको भी साथ लेके चलते हैं। ये सामने कब्रिस्तान है, तो वो सामने दरबार नज़र आ रहा है, तो पास जाके दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। अभी एंटर हो गए हैं कब्रिस्तान में। ये सामने नलका है, तो यहाँ पर ठंडा पानी है, तो अभी असद पानी पी रहा है। तो आगे आपको भी दिखाते हैं। ये माशाल्लाह दरख्त छाँव के लिए दरख्त है, तो चलिए ये छोटे छोटे पॉइंट लगाए हैं पानी के लिए। तो ये दरख्तों को पानी देने के लिए छोटे छोटे पॉइंट लगाए हैं ये है। माशाल्लाह, तो अभी इसमें पानी है, अभी नहीं है पानी, तो आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कब्रिस्तान है, तो हमने सफाई भी की थी, आज भी सफाई कर रहे थे, तो इंशाल्लाह मज़ीद भी करेंगे, तो पाक साफ रखेंगे अपने कब्रिस्तान को। चलिए दरबार का दरवाज़ा भी खोलेंगे, तो अभी आपको अंदर से दिखाएंगे। तो बाहर से जूता उतार लेंगे। माशाल्लाह ये देखें जी, ये है। तो अभी छोटा भाई जान पैसे डालेगा, ये डाल दिए अपने पैसे, ये देखें माशाल्लाह बहुत है। ऊपर से पंखा लगा हुआ माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, देखें। तो किसी ने अपने गांव के मेले की भी आपको वीडियो बना दिखाएंगे माशाल्लाह। तो चलिए आपको भी आगे लेके चलते हैं। तो इसी कब्रिस्तान में हमारे परदादा, तो अब हम अपने ताया जान की कब्रिस्तान दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। यार छाँव के लिए दरख्त, तो कब्रिस्तान में छाँव के लिए दरख्त होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें, यहाँ पर छोटे छोटे पानी के लिए पॉइंट लगाए हैं, तो कब्रिस्तान में पॉइंट नहीं है। चलिए चलते हैं। यह सब दोस्त मिलकर जड़ियाँ ख़त्म कर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह दरबार कतरा कतरा करके दरिया बन जाता है, इस तरह थोड़ी थोड़ी करके तो ख़त्म कर देंगे माशाल्लाह। सब दोस्त भी जड़ी खा रहे हैं, तो आगे जाके हम भी खाड़ते हैं। तो सो आपका काम है, तो करना चाहिए, सब दोस्त को शरीक इसमें होना चाहिए। तो चलिए, तो अभी हम भी शुरू करते हैं। चलिए थोड़ी सी काम ख़त्म होने में आ गया, तो रेस्ट के लिए थे, रेस्ट तो ख़त्म हो गई है, तो अभी हम काम शुरू करते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। तो उलमा साहब भी लगे हुए हैं, तो हम भी शुरू करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है, तो
उखाड़नी चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी फिर काट ही जाती इसको, जड़ी वगैरह काटनी टाइम पे काटनी चाहिए। तो काट के किसी जगह फेंकनी चाहिए जहाँ पे गहरी जगह। तो ये हमारे ताजान की कब्रिस्तान, तो अल्लाह ताला इनको जन्नत में अता फरमाए, तो अल्लाह ताला इनके गुनाहों को बख्श दे इन। तो ये है इनकी कब्रिस्तान, तो अभी सफाई करेंगे हम इसकी। तो चलिए पहले छोटा भाई सफाई करेगा, तो चलिए सफाई करते हैं। तो ये जा रहा सफाई करने के लिए, ये देखें जी सफाई करना सुन्नत है माशाल्लाह। भाई दोनों हाथों से पकड़ के, हाँ माशाल्लाह। इसमें देख तुम्हें पत्थर गिरे हैं, वो भी उठाएंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्त, प्यार दोस्त वो अभी इस तरह करें तो क्यों ना हमारे मुल्क की सफाई जल्दी से जल्दी हो जाए। तो पाकिस्तान को साफ़ करना हमारा भी हक है, क्योंकि हमारा मुल्क है। तो कब्रिस्तान, स्पेशली कब्रिस्तान और मस्जिद को साफ़ रखना चाहिए। माशाल्लाह यहाँ से भी साफ़ कर दिया, तो इंशाल्लाह अभी जो रह गया उसको भी साफ़ करेंगे। अल्लाह ताला आपको भी लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन।